आपको ऐसा लोकेशन देखने को बहुत ही कम मिलेगा। तो चलिए आज मैं लेके चलता हूँ झारखंड के हजारीबाग में पद्मावती किला। चलिए तो पद्मावती किला के अंदर में जो जो व्यू है वो आपको आज एक्सप्लोर करेंगे। तो अंदर का जो सीन है चलिए और देखते हैं। जल्दी 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 कैमरामैन जल्दी 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 आ जाओ। तो इस किले की सबसे खास चीज देखो, ये जो पिलर, ओह माय गॉड, स्ट्रक्चर के विषय बताइए। स्ट्रक्चर जो ये देख सकते हो, ये हमारी जो है समझ में नहीं आ रही, ये पत्थर को कैसे कटिंग किया हुआ है। ये वाकई में पत्थर है शायद। और इधर आइए, इधर कैमरामैन, इधर ये देखिए, ये जो लकड़ी को देख सकते हैं आप, और ऊपर में शेर। और ये ढलाई का कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअली लग रहा है ये पूरे मिट्टी से बना हुआ है। और अंदर आइए, अंदर हम लोग, ये जो लकड़ी है देख सकते हो, ये बहुत ही वर्षों पुराना लकड़ी। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग ऊपर चढ़ने का, कुछ ऊपर का व्यू दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए इधर से देखते हैं कुछ अगर होगा तो। यहाँ तो भाई अभी ये लेटेस्ट दरवाजा लगा हुआ है जिसकी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ देखिए कि एक मेरे को सिंबल मिला, नहीं ऊपर बांधा हुआ है, तो ये पूरा लॉक किया हुआ है, जो कि हम लोग जिसके वजह से ऊपर नहीं जा सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए अगर हम लोग चाहेंगे तो ऊपर का व्यू का कोटेशन देख पाएंगे तो ठीक है, वरना हम लोग आपको ड्रोन के माध्यम से इस पूरे किले का व्यू दिखाएंगे। तो ब्लॉक के एंड तक बने रहें। और यहाँ पे प्राचीन काल का जो भी किला है वो पूरे विस्तार से देखने के लिए दिल थाम के बैठे रहें। और आखिरी में आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा कहीं और मैं जा सकूं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच मैं आया हूँ। ठीक, चलिए बाहर का व्यू दिखाते हैं पीछे साइड से, हैं पीछे का व्यू दिखाते हैं। चलिए इधर इधर से बाहर का व्यू दिखाते हैं। और इधर प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर जो कि अभी कैमरा शूट कर रहे हैं। और आइए, हम ड्रोन ऑपरेटर और हम अपने नितेश जी से कैमरा के साथ मिलवाते हैं। ये है हमारे नितेश जी जो कि हमारा वीडियो शूट अभी कर रहे हैं। हीरो के दिखा दे लगी आंखों से आप सब देखिए। उसके बाद हमारे हमारे चालक करता, इनके वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे, इस सफर को पूरे पूरा कामयाब करने में इनका बहुत ही इनके कदमों के जरिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। धीरे धीरे सबसे मिलेंगे। ये दोनों भाई, गाड़ी का जो सीन था उसके वजह से इन लोगों ने सक्सेसफुल किया। सुबह कितने बजे उठे भाई? 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के इस सीन में, और हम 4 बजे। तो गाइस इसी के साथ आप लोगों को लेके आ चुका हूँ मैं अभी ये रानी तालाब, शायद तालाब है और राजा महाराजा वाला किला में शायद इस तालाब को रानी तालाब ही नाम दिया होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट तो ये तालाब देख सकते हो, लोगों का मानना ये तालाब रानी तालाब है, खूबसूरत है चारों तरफ से। बट इस तालाब को मरम्मती करना चाहिए और झारखंड सरकार से निवेदन है कि ये जो है हवा महल, इसे भी मरम्मती कर देना चाहिए और एक ये टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इस बीच आपको क्या राय है कमेंट्स में, एस या नो, और किस टाइप का बनना चाहिए उसके बारे भी आप ये एक बार ज़रूर
तो ये है प्लेस झारखंड के हजारीबाग में, और ये हवा महल की मरम्मती ज़रूर होनी चाहिए। आखिर में गाइस अभी शूट के लिए हमारा ये गेट खुल चुका है, तो मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। हाँ देख ली मैं। तो अब मैं मूविंग शॉर्ट्स, ओह माय गॉड, किले के ऊपर जो जा ही रहा हूँ। ओ शिट, माय गॉड। तो मैं इस दीवार को देखिए, पूरा मोटी मोटी दीवारें, यहां से मैं अंतिम छोर पे आ चुके हैं और इसको लेके, ओ माय गॉड, इस छोर पे आ चुके चलते हैं और की गुंबद को भी नज़दीकी से देखेंगे और फिर ड्रोन के माध्यम से। अब ये मैं इस छोर पे और जा रहा, सबसे टॉप मंजिले के ऊपर से, माय गॉड ये धसे ना। Oh my God। तो ये पूरी तरह से डैमेज है, तो अगर गवर्नमेंट से हो सके इस किले की मरम्मती के लिए। और ये देख सकते हैं पूरी गंदगी से, पेड़ पौधा झाड़, और हम लोग आ चुके हैं यहाँ का टॉप एरिया और छत की असेंबली है। और ये लकड़ी का है, ये सीमेंट का है। तो गाइस ये टॉप एंगल इस किले की पूरी तरह से, बीच में कुछ मरम्मती हुई है लेकिन अनसक्सेसफुल। ये मेरे ख्याल से फायर हॉट, जैसे हम लोग आग जलाते हो, उसके लिए है।